यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। इस बीच रूस में सेना बड़ी भर्ती की तैयारी कर रही है। इसी कारण देश की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने सेना में सेवा से जुड़े कानून को मंजूरी दी है। इसमें प्रावधान है कि सेना में बुलाए गए किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर जाने की मंजूरी नहीं होगी। इसे सेना में अनिवार्य भर्ती योजना का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा छोड़ चुके कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुबह वे बेंगलुरु में कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा शराब नीति मामले को लेकर केजरीवाल का विरोध कर रही है। दिल्ली भाजपा ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी कर केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया है। देश में कुछ राज्यों में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट आज यानी 17 मार्च को सुनवाई करेगा। ये याचिका हिंदी फ्रंट फॉर जस्टिस में दाखिल की थी। अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस साल यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई और 1 अगस्त तक चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक अनंतनाग जिले में पहलगाम ट्रैक और गंदरबल जिले में बालटाल दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 9000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 9111 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 5128 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 27 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 68,56,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,99,000 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी लड़ाई में एक भारतीय नागरिक अल्बर्ट ऑगस्टिन की मौत हुई है। भारतीय मिशन ने ट्विटर पर बताया कि गोली लगने से अल्बर्ट की मौत हो गई। वो सूडान के डल ग्रुप कंपनी के लिए काम करता था। वहीं राजधानी खार्तूम सहित कई इलाके में गोलीबारी और विस्फोट जारी है। भारतीय सराफा बाजार में आज 17 अप्रैल 2023 को सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,709 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 75,570 रुपए है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 520 अंक की गिरावट के साथ 59,910 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 अंक की गिरावट के साथ 17,706 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली।